री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग जो है महंगाई भत्ता इत्यादि से संबंधित जो आर्थिक अवधारणाएं हैं उसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे। और आप लोगों को यह जानकारी है कि सरकार के द्वारा 6908 रुपए के तदर्थ बोनस जो कि दिवाली के पहले जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, इसकी घोषणा कर दी गई है और इससे संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही डीए में जो है 4% की वृद्धि की गई है और यह 34 से बढ़ाकर के 38% कर दी गई है। हालांकि हमारा यहाँ पे आज का ये उद्देश्य आप लोगों 34 से 38% केवल बताना नहीं है, बल्कि महंगाई एवं महंगाई भत्ते क्या होते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, क्या यह सरकार की नीतियों से संबंधित होता है या सरकार के ऊपर होता है कि वो उसको घोषित करे या ना करे या कम करे या ज्यादा करे, और इसके अलावा कि पहले कुछ वर्षों पूर्व में जो है यह 8 से 10% कैसे होता था और आज के समय में यह केवल 2 से 3 या 4% तक ही क्यों सिमट कर रह गया है, इस चीज को हम संक्षिप्त में जो है देखने का प्रयास करेंगे। जैसे जो महंगाई है, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं महंगाई और महंगाई भत्ता। तो महंगाई से तात्पर्य है कि एक निश्चित समय में, अब हम यहां पर चीजों को जो है उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि जो महंगाई भत्ते हैं वो अभी आप देखेंगे आगे चल करके कि वो उपभोक्ता और उनके द्वारा जो है दिन प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जो है संबंधित होती है। तो यहां पर जो है किसी उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल के बाद उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर यदि अतिरिक्त जो है धनराशि व्यय करना पड़ रहा है तो वह जो है अंतर ही महंगाई कहलाती है, जिसके लिए कई फैक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। तो जो उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है उसकी जो सूची बनती है, उन सूची में सम्मिलित वस्तुओं के मूल्यों का जो सूचकांक होता है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है। कि जैसे मान लीजिए हम इसको सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में लेते हैं कि कोई उपभोक्ता है जिसको सुबह से लेकर के शाम तक अपने पारिवारिक घरेलू किचन अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 400 सामान की जरूरत है, उसको अपने जीवन यापन करने के लिए 400 वस्तुओं को प्रयोग में ला रहा है, तो 400 वस्तुओं में एक निश्चित समय के बाद यानी कि अगर 6 महीने के बाद उन वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ता है तो उन वस्तुओं के मूल्य में कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आधार पर ही जो है ये महंगाई होती है और उसी के आधार पर ये महंगाई भत्ता आप लोगों को दिया जाता है, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सूचकांक जो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित होती है वह कहलाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। महंगाई भत्ता जो है इसी से जो है निर्धारित होता है। इसमें दो तरीके के जो है महंगाई भत्ते, IDA होता है यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, और दूसरा होता है BDA यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस होता है। ये जो है केंद्र सरकार के जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो है प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के जो है महंगाई भत्ते के निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और यह प्रत्येक जो है 3-3 जो है महीने पर होता है, और यह वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस होता है जो आम कर्मचारियों के लिए जो है CPI पर आधारित महंगाई भत्ते का निर्धारण करता है, और ये प्रति 6 महीने पर जो है दिया जाता है, जो कि हम लोग भी जो है सामान्य रूप से देखते हैं व्यवहार में कि प्रति 6 महीने पर ये दिया जाता है। यद्यपि इसकी घोषणा सरकार के द्वारा आगे की जाती है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसके आधार पर समय समय पर घोषित की जाती है। तो कुल मिलाकर के 1 जुलाई और दूसरा है 1 जनवरी, इन दो समय पर जो है इसकी घोषणा के बाद जो इसको लागू किया जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह 1 जुलाई पर ही हो, 1 जुलाई
को इसे लागू किया जाए। इसे आकर के अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में किया जाता है, जैसे इस बार आकर के जो है ये अक्टूबर के महीने में घोषित की जा रही है, लेकिन लागू इसको 1 जुलाई से ही किया जाएगा। यानी कि भूतलक्षी प्रभाव के अंतर्गत रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के माध्यम से, भूतलक्षी प्रभाव इसे कहा जाता है कि कोई निर्णय लिया गया और उस निर्णय को पूर्व के किसी निश्चित तिथि से लागू किया गया, जैसा कि आज के समय में जो DA की घोषणा के बारे में जो है कहा जा रहा है कि ये अक्टूबर में भले घोषित किया गया परंतु ये 1 जुलाई 2022 से इसको लागू किया जाएगा। बीच समय का जो है भुगतान आपको एरिये के रूप में कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है महंगाई और महंगाई भत्ते की इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती, तो हमारा आज का केवल उद्देश्य आपको ये नहीं बताना है कि 34 से 38% इसको तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, परंतु वो क्यों होता है, महंगाई भत्ता क्यों जो है बढ़ाया जाता है, उसके पीछे की ये जो है कहानी एग्जैक्ट जो होती है, और वो महंगाई जो भत्ता होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दिया जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है इसको हमने बताया। और महंगाई भत्ते जो है वो दो तरीके के जो है होते हैं। ये जो है स्पेसिफिक जो है लोगों को, स्पेसिफिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, बाकी ये जो है आम कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि DA जो है वो आपका साल में जो है 2 बार जो बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है अगर इंक्रीमेंट को ध्यान में रखा जाए तो सरकारी कर्मचारी की सैलरी जो है 3 बार जो है बढ़ाया जाता है। तो ये व्यवस्था रही जो महंगाई और महंगाई भत्ते के जो है संदर्भ में। अगली बात हम लोगों ने ये कहा, उस पर देख रहे होंगे आप लोग कि इसका सरकार से किस तरीके से संबंध है। बेसिकली ये सरकार की जो आर्थिक नीतियां देश के विकास से संबंधित होती हैं, लेकिन देश काल और परिस्थितियां तथा अन्य कई फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए जो है, जिसके कारण से देश में महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई के कारण से जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो अंतर आता है उसके आधार पर आपके DA में वृद्धि की जाती है। इसलिए सरकार DA के लिए कोई नीति नहीं बनाती है, बल्कि इसका एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, आर्थिक जो है व्यवस्था है, और उस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपके जो है CPI है, IDA है और VDA है, जिनसे जो है, जिनके आधार पर जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हुई वृद्धि प्रतिशत को जो है आपके DA के प्रतिशत के रूप में बढ़ा दिया जाता है। अब अगला सवाल आपके मन में यह है कि पहले के कुछ समय, पहले के वर्षों में किस कारण से यह 8 से 10% वृद्धि होती थी और आज की डेट में जो है ये 2% या 3% या इस तरीके से हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें जो है एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे मान करके चलते हैं कि अगर DA में जो है जो वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, उस प्रतिशत वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 300-400 जो भी उसमें समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं की जो संख्या भी बढ़ती रहती है, उन प्रतिशत वृद्धि को अगर हम इसको धनराशि में बदलें और ये बताएं कि 1500 रुपये की जो है वृद्धि करनी है, 1500 रुपये का जो अंतर आ रहा है, तो आज की डेट में चूंकि जब 7वां वेतन आयोग लगा तो आपका जो है मूल वेतन और DA को जोड़ करके और एक निश्चित जो है उसमें 2.57 से जो है मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से एक मैट्रिक्स लेबल बनाया गया, जिससे मैट्रिक्स लेबल में वृद्धि हो गई और आपका जो मूल वेतन है वो बढ़ गया। जैसे अगर कोई भी कर्मचारी 4200 में पहले काम करता था तो वो 13,500 के वेतन पर जो है प्रारंभ करता था, लेकिन अगर आज की डेट में वो कुछ भी समय अगर नौकरी कर लिया है तो उसका जो है बेसिक जो अमाउंट है आपके सैलरी का वो 40,000 या 45,000 है, 35,000 से तो वो स्टार्ट करता है, परंतु उसकी बेसिक पे अगर 2-3 साल भी सर्विस उसने कर लिया तो वो 40,000-45,000 हो जाता है। तो मान करके हम अगर चल रहे हैं कि पहले के समय में अगर कोई 3-4 साल नौकरी किया है तो 13,500 से बढ़ करके वो 15,000 के जो है वेतन पर है, 15,000 के मूल वेतन पे। आज की डेट में अगर हम मान करके चलते हैं कि कुछ समय नौकरी किया है और वो 50,000 के वेतन पे है, तो 1500 की वृद्धि करने के लिए, 1500 की वृद्धि करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये परसेंटेज इस पे जो है ज्यादा बनेगा और इस पे कम बनेगा। तो अगर इस पे आपको बनाना होगा तो 10% लगाना होगा, जैसे इसका जो 15,000 का जो है 10%, तो यहां पे हम 10% करेंगे जो है तब ये जो 1500 हो रहा है, और अगर इसका जो है
3% किया जा रहा है, 50,000 का तो 1500 आ रहा है। यानी कि एक ही अमाउंट की जो है वृद्धि दोनों में हो रही है, यहां पर आपको 3%, यहां पर जो है आपको वही जो है अमाउंट लाने के लिए, क्योंकि आपका बेसिक भी बढ़ गया है इसलिए परसेंटेज कम लगाया जाएगा तो भी उतना ही अमाउंट आएगा। इसके इस आधार पर यह बात जो है सिद्ध होती है कि जो आपकी महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई का जो अमाउंट है वो पहले भी जो है उसी तरीके से जाता था जिस तरीके से आज जा रहा है, लेकिन आपका जो बेसिक जो है पे बढ़ जाने के कारण से परसेंटेज जो है कम किया जा रहा है। अभी जब शुरुआती दौर में 2% जो है डीए बढ़ रहा था, अब देखिए 4% हो रहा, धीरे धीरे जैसे समय बदलता जाएगा वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा, 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, आगे आने वाले समय में महंगाई के ऊपर डिपेंड करता है 5 भी हो सकता 6 भी हो सकता। तो इसलिए इन सभी जो है पॉइंट्स में या इन सभी जो है तरीके के जो है प्रश्नों से जो है आपको उलझना नहीं चाहिए। ये एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म के तहत जो है वृद्धि की जाती है, इसमें जो है कोई सरकार जो है इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लेता है कि किसी कर्मचारी का डीए कम बढ़े या किसी कर्मचारी का डीए ज़्यादा बढ़े। इकोनॉमिक मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं के एक निश्चित समय में जो वृद्धि हुई प्रतिशत को जो है आपके डीए के रूप में बढ़ा दिया जाता है। समय समय पर सरकार के द्वारा इसकी जो घोषणा की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी सवाल पूछे गए थे अभी मेल या ग्रुप के माध्यम से वो सब जो है सॉल्व हो गए होंगे। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में जो हम लोगों ने डीए और उसकी जो एक कहानी है कि किस तरीके से जो बनती है या सरकार से उसका क्या संबंध है या जो है पूर्व के वर्षों में ज़्यादा प्रतिशत क्यों होता था, आज के समय में क्यों कम प्रतिशत क्यों है, इन सभी जो है फैक्ट एंड फिगर्स को जो है हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। पुनः अगले जो है लेक्चर में इस तरीके से जानकारी लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।